नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने जीता विश्वास मत, नंदकिशोर होंगे बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष। सीएम नीतीश ने सदन में खोले कई राज। आरजेडी को झटका, तीन विधायकों ने बदला पाला। पाला बदलते ही बोले चेतन आनंद, जबरन रोका गया, मेरे अंदर लालू यादव का खून। तेजस्वी बोले मोदी जी के खिलाफ अकेले झंडा उखाड़ कर लड़ेंगे। खेला में शामिल एक एक विधायकों का इलाज करेंगे, बोले सम्राट चौधरी। गरीबों को मिली सरकारी जमीनों पर आरजेडी का कब्जा, मांझी बोले पार्टी को गच्चा देने वाले बीजेपी एमएलए के बेटे पर केस दर्ज। जदयू के दो विधायकों के अपहरण का केस दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। आरजेडी कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के खेला होने के दावे को दरकिनार करते हुए आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अग्नि परीक्षा पास कर ही ली। एनडीए के समर्थन से बनी नीतीश सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। समर्थन में कुल 129 मत मिले। विपक्ष के वॉकआउट कर जाने से विश्वास मत के खिलाफ शून्य वोट मिले। नीतीश कुमार के गंभीर आरोप पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वोटिंग के दौरान विपक्ष बाहर चला गया था। आरजेडी की तरफ से चेतन आनंद और नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनेंगे। जानकारी के अनुसार मंगलवार को नंदकिशोर यादव नॉमिनेशन करेंगे। कहा जाता है कि नंदकिशोर यादव ने छात्र जीवन से ही राजनीति में अपने कदम रख दिए। वर्तमान में वे पटना साहिब से विधायक हैं। नंदकिशोर यादव 1969 से आरएसएस से जुड़ गए थे। इसके अलावा वे जेपी आंदोलन के समय भी काफी सक्रिय रहे। साल 1971 में विद्यार्थी परिषद में एक्टिव हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल करने के दौरान बिहार विधानसभा में संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन से अलग होने के कई कारण गिनवाए। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर पैसा कमाने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमको पता चला कि ये लोग कमा रहे हैं, एक ही जगह सबको रखे हुए थे, कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करवाने के लिए। अब हम इनके पास हैं, कहां से पैसा आया है इसकी जांच कराएंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। आज तक जब बीजेपी हमारे साथ थी कभी इधर उधर नहीं की। आरजेडी एक ही जगह सबको रखे हुए थे, फिर हमें पता चला कि लाख लाख रुपया दे रहे थे। बिहार विधानसभा फ्लोर टेस्ट में राजद के तीन विधायक सत्ता पक्ष के साथ दिखे। शिवहर के राजद विधायक चेतन आनंद, मोकामा से राजद विधायक नीलम देवी और सूर्यगढ़ा से राजद विधायक प्रहलाद यादव ने तीनों विधायक सत्ता पक्ष के दीर्घा में बैठने नजर आए। कार्यवाही से पहले चेतन आनंद ने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद ने एनडीए सरकार पर उनके विधायक को तोड़ने का आरोप लगाया था। प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा था कि उनके दो विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी को वोट नहीं करने की धमकी दी गई है। शिवहर के विधायक चेतन आनंद राजद को छोड़कर नीतीश खेमे में चले गए। वहीं राजद के दो अन्य विधायक नीलम देवी और प्रहलाद यादव भी विधानसभा में विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष के साथ जाकर बैठ गए। चेतन आनंद ने राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा की ठाकुर का कुआं वाली कविता की याद ताजा कर दी। उन्होंने कहा कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, सबको पिलाना है। वही विधानसभा से बाहर निकलने के बाद कहा कि तेजस्वी यादव के आवास पर नजर बंद कर रखा था, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता था लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा था। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला किया। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव कई बार चुटकी लेते भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने जितना मांझी से लेकर चेतन आनंद तक पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर लालू जी का खून है, हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। कोई बात नहीं नीतीश जी, आपका भतीजा अकेले मोदी जी के खिलाफ झंडा उठाकर लड़ेगा। इन सारी चीजों से घबराते और डरते नहीं है, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार से इस्तीफा देने का कारण पूछा तो बोले कि मन नहीं लग रहा था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित होगा। जो गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार हुआ है हर विभाग का फाइल खोला जाएगा। वहीं जदयू बीजेपी के गायब विधायकों को कहा कि खेला में शामिल एक एक व्यक्ति का इलाज करूंगा। सम्राट ने तेजस्वी को मेहनत करने की सलाह दी और कहा कि 10 साल में आपने कोई मेहनत नहीं किया, आगे कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आप वैसे साथी हैं जो 1.5 साल की उम्र में अरबपति बन गए।
सदन में पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। मांझी ने दावा किया है कि सरकार ने बिहार के गरीबों को जो 3 डेसिमल जमीनें दी है उनका रसीद तो गरीब तबके के लोगों के नाम से कटता है, लेकिन उस पर कब्जा आरजेडी के लोगों ने कर रखा है। मांझी ने कहा कि पूरे बिहार में इसी तरह की सैकड़ों एकड़ जमीन को आरजेडी से जुड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है। मांझी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि संगति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। गलत लोगों के साथ हम रहेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता भी गड़बड़ी आ जाएगी। भाजपा को गच्चा देने वाले पार्टी के विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। दरभंगा के केवटी थाने के थानेदार ने मिश्रीलाल यादव के बेटे धीरज कुमार यादव पर केस दर्ज करा है। थानेदार ने कहा कि एक वारंटी अभियुक्त को छुड़ाने के लिए विधायक के बेटे ने 50 से 60 दफे कॉल किया, फोन पर ताबड़तोड़ गालियां दी, कहा मेरे पिता मंत्री बनने वाले, सारे पुलिस वालों को सबक सिखा। बिहार में सियासी खेला खत्म होने के बाद दूसरा खेल शुरू हो गया है। जदयू के 2 विधायकों के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खास बात यह है कि इसमें जदयू के ही एक विधायक और तेजस्वी यादव के करीबी पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। पटना के कोतवाली थाने में जदयू के विधायक बीमा भारती और दिलीप रॉय के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये प्राथमिकी जदयू के विधायक सुधांशु शेखर ने दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव और तेजस्वी यादव के करीबी ठेकेदार सुनील कुमार रॉय ने मिलकर दोनों विधायकों का अपहरण कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।